सो होली के नेक्स्ट डे हम लोग निकल चुके हैं. बड़ी होली है आज क्या? नहीं, होली के नेक्स्ट डे हम लोग निकल चुके हैं. विंध्याचल दर्शन करेंगे, काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे और परम सुख का आनंद लेंगे. बनारस जाके वहाँ पर घाट पे बैठ के मज़े करेंगे, चाय पियेंगे बनारसी. देखते हैं क्या करेंगे, अभी कुछ नहीं पता है. तो ख्याली पुलाव तो बनते ही रहते हैं. और ये नैनी ब्रिज का एंड होते हुए तो आज हम लोग जा रहे हैं विंध्याचल, जहाँ बाबू नहीं चल. अभी एक गाड़ी है वहाँ, दूसरी गाड़ी आ रही है पीछे. तो कौन कौन जा रहा है? ये रहा, ये देखो, ये दोनों भाइयों, ये पापा और ये मम्मा, ये यूट्यूबर मम्मा. हम लोग जा रहे हैं विंध्याचल. तो पता है मुझे, एक बार सही से बोलो, तो बार बोलो. कंटेंट चाहिए बाबू, पहाड़ों पे कंटेंट. सौरभ जोशी बन जाओ बाबू. आए बनारस. बनारस नहीं आए अभी, विंध्याचल आया. तीन बार बोल चुके अभी, तुम्हें नहीं पता है. यस, बनारस अभी नहीं आए, आने वाले हैं. हां, अरे आने नहीं वाले, अभी पहले मंदिर जा रहे हैं, माता के दर्शन करने आए हैं. तो ना विंध्याचल का जो मुख्य द्वार था ये यही था. यहाँ से ना पूरा कॉरिडोर बना हुआ है, काफी अच्छा डेवलप हो गया है यहाँ पर भी. और यहाँ पे ना आपको पार्किंग की सुविधा भी मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको प्रसाद भोग जो भी चढ़ाना है वो भी आपको यहीं मिल जाएगा. इस मंदिर का भी ना उल्लेख दुर्गा सप्तशती पाठ में किया गया है. उसमें यह लिखा है कि श्री कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था तो उसी रात ना देवी दुर्गा का भी जन्म हुआ था. जब कंस ने ना उस बच्ची के शरीर को पत्थर से कुचलकर मारने की कोशिश की थी तो वह चमत्कारिक रूप में उनकी पकड़ से दूर चली गई और देवी के दिव्य रूप में बदल गई. इस दिव्य मंदिर के पीछे की कहानी ना मैंने दुर्गा सप्तशती पाठ में ही पढ़ी हुई है. अगर इससे रिलेटेड आपको कोई और नॉलेज है तो प्लीज मुझसे जरूर शेयर करिएगा. और ये ना पूरा कॉरिडोर एरिया है, दोनों साइड आपको दुकानें मिल जाएंगी. और ना गर्म बहुत था तो हमारे पैर बहुत जल रहे थे और हम लोग ना पूरी फैमिली के साथ ही दर्शन करने गए थे. तो अंदर हम लोग मंदिर के प्रवेश कर चुके हैं. भीड़ ना बहुत ज्यादा थी और मुझे डर भी लग रहा था शूट करने में, कहीं कोई मना ना कर दे. बट किसी ने ऐसा मना नहीं किया. शूट मैं थोड़ा बहुत कर रही थी और बहुत जल्दी जल्दी आगे सब भाग रहे थे ना, इसलिए मैं उनको फॉलो करते करते ना बहुत सारा मिसमैच हो गया है वीडियो में. बट मैंने कोशिश पूरी की है आपको सब चीजें दिखाने की. अगर ऐसे अभी किसी ने छीन लिया तो नहीं दिख रहा है कहाँ. तो हम सब भी को अच्छे से दर्शन मिल गए और हम लोग अब इसके बाहर आ चुके हैं. बाहर निकल के हम लोग सीधे बनारस के लिए निकलेंगे. तो बहुत अच्छे से दर्शन प्राप्त हो गए हम सभी को. चलिए चलते हैं बनारस की ओर. पीछे से कोई हॉर्न दे रहा है तो पहले हट जाती हूँ, उनको निकल जाने देती हूँ. ये है देखिए मेन गेट, काफ़ी अच्छा कॉरिडोर यहाँ पे बन चुका है. अब जब मैं इसके पहले आई थी ना तो ये सारी चीज़ें नहीं बनी थी, अब काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रही है सब चीज़ें. काशी विश्वनाथ भी मैं एक साल पहले गई थी, अब एक साल और अब में काफ़ी डिफरेंस हो गया होगा. तो चलिए चलते हैं. काफ़ी टाइम लग गया हम लोगों को बनारस में एंटर करते हुए. फाइनली इधर ना यहाँ पे नाइट मार्केट बनी हुई है, काफ़ी अच्छा मुझे लगा. ब्रिज के नीचे का पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा है. काफी ज्यादा चलने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं.
तो हम लोग ना करीब 4 बजे पहुंचे थे। उसके बाद हम लोगों को पार्किंग ढूंढते ढूंढते काफी टाइम लग गया और पार्किंग ऑलमोस्ट फुल होने वाली थी। हमारी कार के बाद ना 3-4 कार वगैरह गई अंदर, उसके बाद पार्किंग फुल हो गई थी वो। और उसके बाद फिर हम लोग ने अपने लिए होटल लिया, थोड़ा सा फ्रेशन अप हुआ सब लोग, और उसके बाद चलते चलते बज गए 6:30 बजे की आरती थी। जल्दी जल्दी हम लोग अब पहुंचने वाले हैं, अब आरती देखेंगे, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग ना मैं आप सभी के साथ जल्दी शेयर करूंगी। तो ये व्लॉग ना पूरा देखिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आप सभी के लिए आने वाले हैं। और अभी के लिए ना आप इंजॉय करिए कॉरिडोर का व्यू। हाँ थोड़ी सी भीड़ ज्यादा है, बट भीड़ नहीं है तो फिर मजा भी क्या आने वाला है। तो आप लोग ये कॉरिडोर का व्यू देखिए, इसके बाद हम लोग सीधे जाएंगे गंगा आरती देखने। उसके बाद काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने में हम लोगों को लिटरली 3 घंटे लग गए थे, बट मंदिर में अंदर जाके बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही व्लॉग को इंजॉय करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थोड़ा सा चलते चलते ना हम लोग काफ़ी थक गए थे, तो वहाँ पे बेंचेस वगैरह साइड में बनी हुई थी तो वहाँ हम लोग बैठ गए थे। और पर को ना थोड़ी भूख लग गई थी तो जो भी मिल रहा था खाने पीने को, समोसे वगैरह हम लोग ने यहाँ से पैक करा लिए थे कि आराम से बैठ जाएंगे एक जगह फिर आराम से खाएंगे। और इसके बाद एक चीज़ हम लोग ने और पहले से प्लान करके रखी थी कि बनारस जा रहे हैं तो बनारसी साड़ी वगैरह तो लेंगे ही, बट एज यूजल ज़्यादा प्लानिंग कर लो ना सब कुछ चौपट हो जाता है, तो हम लोग ने कुछ भी वहाँ से परचेज नहीं कर पाए। और देखिए हम लोग गंगा घाट पहुँच चुके हैं, गंगा आरती स्टार्ट होने ही वाली थी और वहाँ पर ना बहुत सारी नाव वगैरह लगी होती हैं, तो वहाँ पर बात करेंगे ना तो 100 रुपीज पर पर्सन आपको सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाएगा, सामने से आप बैठ के आराम से आरती देख सकते हैं। मम्मी हमारे साथ थी तो हमारे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो हम लोग ने सोचा चलो उनको आराम से आरती दिखाते हैं। तो बस कुछ इस तरीके से यहाँ का व्यू था, व्यू काफी अच्छा लग रहा था, लाइटिंग वगैरह काफी सुंदर लग रही थी। आरती कंप्लीट होने के बाद ना अब हम लोग जा रहे हैं भोले बाबा का दर्शन करने। घाट से ही ना एक थोड़ा सा आगे बढ़कर आपको गली मिल जाएगी, वहीं से हम लोग शायद गेट नंबर 2 के साइड से जा रहे हैं। वहां पे आपको लॉकर वगैरह की सारी सुविधा मिल जाएगी, आप फ्री सेवा भी मिल जाती है और कुछ पैसे करके भी मिल जाती है, दोनों तरीके से वहाँ पर मिलती हैं, आपको जो सूटेबल लगे आप वो करिए। यहाँ गली के रास्ते में ना बहुत सारी दुकानें थी, आप कुछ परचेसिंग वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं, बट जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग के पास टाइम बिल्कुल नहीं था, ये था कि पहले भगवान के दर्शन कर लें फिर बाद में देखा जाएगा। तो बस गेट आ चुका है, अब उसके बाद ना दर्शन कर लिया है हमने, मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं है, तो देखिए वो पीछे आपको गेट दिख रहा है, उस गेट के बाद हम लोग ने ना ई रिक्शा कर लिया था। उसके बाद आ गए हम लोग एक रेस्टोरेंट में, कहीं भी भाई साहब खाना ही नहीं मिल रहा था, इतनी भीड़। तो एक कैफ़े वहाँ पर हमें मिला तो वहाँ पर ना उनके पास भी फूड ना अवेलेबल नहीं था इतना, तो हम लोग ने यहाँ पे मंचूरियन फ्राइड राइस पास्ता ये सारी चीज़ें ऑर्डर की और इसी से अपना पेट भर लिया। मन तो नहीं था किसी का चाइनीज़ खाने का, बट कोई बात नहीं, शीशा देख के ना थोड़ा सा मुझे एनर्जी लेवल मेरा बढ़ गया। बस उसके बाद हम लोग ने अपना डिनर वगैरह किया। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग आज का पसंद आया होगा, नेक्स्ट व्लॉग ना मैं जल्दी ही शेयर करूँगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैसे मैं बहुत ज़्यादा थक, मगर मेरा देख के खुश हो गई हूँ फिर से। तो ना इतनी ज़्यादा भूख लगी थी सभी क्योंकि खाना देख के ना सब टूट पड़े, किसी ने सर्व करने का वेट ही नहीं किया, फटाफट से सबने अपना डिनर कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोग अपने रूम में चले गए, आराम किया। और चलिए आज का व्लॉग इतना ही, आप सभी से जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।